इस बार बताइए, दो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, हिना साहब, जीवन यादव, दोनों में काफी भीड़ उमड़ के आ रही है। उधर अवध बिहारी चौधरी हैं और सामने जो है एनडीए से विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनाव में है। आदमी हर फल खाया एक बार, इस बार नया फल खा के देखे। नया फल कौन है? नया फल तो भाई जीवन यादव को हम कहेंगे। देखिए हर फल आदमी चखा है, एक बार उसको भी टेस्ट किया जाए कि क्या है वो क्या नहीं है। ऐसे आदमी हम कभी मिले तो नहीं है उनसे, लेकिन आदमी बहुत जबरदस्त है उनका। अवध बिहारी चौधरी ने काम किया है, इंटरलॉकिंग सीसी रोड भी बनवाया है। कुछ कह रहे थे, बताओ बताओ कौन कह रहा है? ये बोलो बताओ, कुछ कह रहे थे? हाँ तो बोल रहे थे कि रोड का काम हुआ है, देखिए ना रोड तो टूट गया है। अच्छा, अवध बिहारी चौधरी ने, जैसे मैं कहा कि अवध बिहारी चौधरी ने विकास किया है, तो लड़का ने तुरंत सड़क दिखा दिया, कहा कि सीसी देख लीजिए टाइट है, आगे भी टूटा हुआ है रोड। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। गोरखपुर लाइव की टीम सिवान जिले में है। सिवान लोकसभा में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी जो कि स्पीकर थे उनको टिकट दिया है, तो जेडीयू ने लीलावती कुशवाहा को टिकट दिया है। लीलावती कुशवाहा कौन है? रमेश कुशवाहा की पत्नी है। रमेश कुशवाहा पूर्व विधायक रहे हैं, कविता सिंह वर्तमान में सांसद हैं, अजय सिंह की पत्नी हैं, तो उनका टिकट कट गया है। दो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं सिवान में। एक है शहाबुद्दीन की पत्नी, स्वर्गीय शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब चुनाव लड़ रही हैं, तो दूसरे हैं लोगों को जीवन देने वाले जीवन यादव। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस चीज़ को कि जब सिवान में हम लोग आए हैं तो लोग कह रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीवन यादव ने काफ़ी काम किया है, लेकिन जीवन यादव निर्दलीय लड़ रहे हैं। हिना साहब भी निर्दलीय लड़ रही हैं। अवध बिहारी चौधरी राजद के प्रत्याशी हैं और लीलावती कुशवाहा एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार। तो सिवान में है माहौल जानते हैं। विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, विजय लक्ष्मी कुशवाहा एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी हैं। लोगों से जानेंगे कि माहौल क्या है। भाई साहब जो है स्कूटी चला रहे थे, धूप का समय है, गांव में लोग मिल नहीं रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? माहौल क्या लग रहा है अब तो, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि माहौल इलेक्शन के बाद तो पता चल जाएगा। हाँ। लेकिन मुद्दा क्या है सिवान का? मुद्दा विकास होना चाहिए, क्या है ये तो स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मुद्दा सिर्फ विकास का होना चाहिए। कविता सिंह आगे सांसद थी। हाँ तो वो तो अब इस बार उनको टिकट भी नहीं मिला है, शायद काम बेहतर नहीं की है। इस बार दो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, हिना साहब, जीवन यादव, दोनों में काफी भीड़ उमड़ के आ रही है। उधर अवध बिहारी चौधरी हैं और सामने जो है एनडीए से विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनाव में है। आदमी हर फल खाया एक बार, इस बार नया फल खा के देखे। नया फल कौन है? नया फल तो भाई जीवन यादव को हम कहेंगे। देखिए हर फल आदमी चखा है, एक बार उसको भी टेस्ट किया जाए कि क्या है वो क्या नहीं है। ऐसे आदमी हम कभी मिले तो नहीं है उनसे, लेकिन आदमी बहुत जबरदस्त है। उनका वक्तव्य सुने हैं, उनका हम इंटरव्यू मिले नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपू पड़ेगा। दीपू, पूरा नाम बताइए। रोशन कुमार दीपू। रोशन कुमार दीपू हैं और कह रहे हैं कि नया फल खाना चाहते हैं, पुराना फल से जो है परेशान हो चुके हैं। कुछ और लोग हैं, डॉक्टर साहब पहले आपसे मुलाकात करते हैं, लोगों ने कहा कि आप डॉक्टर हैं। जी सर। तो इस बार किसका इलाज करेंगे? इस बार तो हम लोग चाहते हैं कि जाति धर्म से उठ के कुछ नया उम्मीदवार को हम लोग चुने। किस जाति से हैं आप? अरे हम तो यादव जाति से हैं। अच्छा, तो अवध बिहारी चौधरी भी चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, तो हमारे चाचा थे, बाबा थे, पहले बहुत बार हम लोग देख चुके हैं, 20 सालों से उनको हम लोग देखते आए हैं। हाँ। लेकिन इस बार तो हम लोग मुंड के नया उम्मीदवार के परिवर्तन के लिए हैं। नया उम्मीदवार कौन है? नया उम्मीदवार तो हम लोग तो जीवन यादव को देखना। रोजगार के मुद्दे पर, बिहार के पिछड़पन पर, आप लोग जैसे मान लीजिए कह रहे हैं जीवन यादव ने काफ़ी काम किया है, लेकिन हम रोजगार की जब बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, बिहार के पिछड़पन की बात करेंगे, तो बिहार काफ़ी पीछे दिख रहा है। रोजगार के मुद्दे पर भी तो पीछे सब दिख रहा है। तो पहले यही लोग न थे? पहले कौन लोग थे? पहले एनडीए के क्या कविता सिंह थी, इसके पहले हमारे बाबा अवध बिहारी चौधरी थे। इन लोगों का काम हम लोगों ने बहुत दिनों से देखा है, लेकिन इस बार हम लोग चाहते हैं कि युवा का जोश है, हम लोग नया युवा ही नेता यहाँ सिवान का सांसद युवा के रूप में ही हम देखना चाहते हैं। सब फल खाने से तबीयत खराब हुआ है, सब फल खाने से तबीयत खराब हुआ है, इस बार तो बदलाव होना चाहिए। फल खाने से मैं अभी रोकूंगा आप लोगों को। एक महिला है, उनके पास जाऊंगा और बात करूंगा कि माहौल सिवान का क्या है। चाची दुकान दोपहरिया में चले लगे ना? चले ला बढ़िया चल रहा है। ये चुनाव लड़ा तो नहीं हिना साहब, जीवन यादव, अवध बिहारी, क्या कहो तू? बेकौले वोट दे सन हमने के। किसको? किसी को दे दिया जाएगा जिसको है उसका जाएगा। सब लोग दी से करा के, सब लोग दी। होशियार बड़ी चाची। सब लोग
और एक आदमी के वोट देने से जीत जाए सब लोग दिए तो सब लोग दिया एक आदमी दिया माहौल का भाई बताओ कि मोदी जी के जाने नहीं मोदी जी के जान ले सन काम कैले बने कि नहीं अब कहा जाने हमने के नहीं कुछ कले तो हम कहा जानते नहीं आवास वास मिलल बगे नहीं जा पेंशन कुछ ना कुछ नहीं महंगाई सुझुझत नहीं नहीं सब महंगाई बा महंगाई बा लेकिन चुप हो गई पहले कुछ कहत रहनी हाँ लेकिन चलिए अंदर लेकिन बोले नहीं यहाँ के चलिए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि माहौल क्या है एक भाई ने कहा कि पुराना फल खाने से अच्छा है पुराना फल खा चुके हम लोग नया फल खाएंगे क्या नाम है भाई मेरा नाम तो बिजन कुमार है बिजन कुमार इधर आ जाइए इधर 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 कैमरे पे ये बताइए कि हिना साहब को जानते हैं हिना साहब जानते हैं अच्छी लड़ाई लड़ रही लड़ाई तो लड़ रही है लेकिन हम लोग जीवन यादव को देख रहे हैं जीवन यादव को देख रहे हैं क्या है जीवन यादव में खास जीवन में समाज का सेवा कर रहे हैं अभी देख रहे हैं कि वो किसी भी पद पर नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं किस बिरादरी से आते हैं हम तो यादव पर बिरादरी से आते हैं तो राम जो अवध बिहारी चौधरी वो भी यादव जी हैं जी और वो तो राजद से लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव पार्टी लड़ रहे हैं लेकिन हम लोग सोच रहे हैं लोग कि नया युवा है लोग सिलापट भी लगा है विनोद यादव और श्री अवध बिहारी चौधरी अवध बिहारी चौधरी ने काम किया है इंटरलॉकिंग सीसी रोड भी बनवाया है हाँ कुछ कह रहे थे बताओ बताओ कौन कह रहा है ये बोलो बताओ कुछ कह रहे थे हाँ तो बोल रहे थे कि रोड का काम हुआ है देखिए ना रोड तो टूट गया है अच्छा अवध बिहारी चौधरी ने जैसे मैं कहा कि अवध बिहारी चौधरी ने विकास किया है तो लड़का ने तुरंत सड़क दिखा दिया कहा कि सीसी देख लीजिए टाइट है आगे भी टूटा हुआ है रोड टूटा सड़क जैसे मैं कहा हूँ कि हमारे कैमरामैन ने कहा है कि देखिए अवध बिहारी चौधरी ने का सिलापट लगा हुआ है वैसे ही लड़का तपाक से बोला है कह रहा है कि देखिए इनका विकास है टूटी फूटी सड़क और सरकार में रहते काम किए थे स्पीकर भी थे स्पीकर उस समय स्पीकर थे वो ये बताओ कि सिवान का जो माहौल है वो किस तरह से तुम देखते हो माहौल तो है अभी तो देखिए बहुत सारे प्रत्याशी लगे हुए अपने चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं लेकिन जीवन यादव के टक्कर में अभी कोई नहीं है जीवन यादव के टक्कर में कोई नहीं है हो सकता है कि ये जीवन यादव के समर्थक हैं लेकिन उत्साहित भी हैं और कह रहे हैं कि जीवन यादव के टक्कर में कोई नहीं है क्या नाम है उपेंद्र कुमार यादव उपेंद्र किस क्लास में हो हम दसवा के एग्जाम दे दिए हैं इलेवंथ में अच्छा वोटर लिस्ट में नाम आया है यस नहीं अभी नहीं आया है नाम नहीं आया है नहीं तो क्या देखते हो तुम कची हम यही देखते हैं कि बहुत नेता मतलब बहुत घूमते हैं बहुत वोट मांगने के समय में आते हैं बाकी वोट उनका मिल जाता है वो अपना घर है गरीब आदमी मरे चाहे कुछ भी हो उनको चाव चिंता नहीं रहता है बाकी जीवन भैया हर कहीं कांड हो रहा है वहाँ पर तुरंत पहुँच रहे हैं अपन स्वागत वहाँ देख रहे हैं रुकूंगा एक मिनट के लिए आप यहीं के रहने वाले हैं उत्तर टोला के कहाँ के उत्तर टोला उत्तर टोला सिवान में क्या माहौल देख रहे हैं चुनाव है 25 तारीख को चुनाव क्या देख रहे हैं पब्लिक के ऊपर है जिसको पब्लिक किधर जा रही है जिधर जा रही है अब हम किलियर थोड़ी अच्छा चार लोग चुनाव लड़ रहे हैं हिना साहब जीवन यादव अवध बिहारी चौधरी और ये विजय लक्ष्मी कुशवाहा एनडीए से वो भी तो लड़ रहे हैं वो क्या बोलते हैं खटिया छाप क्या नाम है छाप जीवन यादव जीवन यादव तो जीवन यादव को आप जानते हैं तो जीवन यादव ने काम किया है काम किया है जब भी तो आदमी उसको दाइक कर रहा है नहीं दाइक करता जब आदमी को जिसको पसंद आ रहा है उसी को तो वोट देगा और बिहारी जी हैं इतना दिन हो गया अभी तक गांव में तक नहीं आए हैं तो जिसको आदमी चाहेगा उसी को वोट देगा ना जिसको चाहेगा उसी को वोट देगा कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में माहौल क्या है देखिए भाई साहब दिख गए विकलांग हैं इनसे जानते हैं कि सिवान का माहौल क्या है कहाँ के हैं आप रहने वाले छोटपुर योजनाओं का लाभ मिला है सरकारी भाई तो मिल ही गया है इसके अलावा इसके बाद नहीं मिला है बेल्ट्री अलीगढ़ नहीं मिला है बेल्ट्री अलीगढ़ चुनाव है मुद्दा क्या है सिवान का मुद्दा जीवन जीवन यादव जीवन यादव ने ऐसा क्या कर दिया जीवन यादव ऐसा क्या किया है वो आँख बनाना है ढेर काम किया है पहले के जनस में चौधरी जी भी तो स्पीकर थे तो कुछ नहीं किए तो ये गांव के लोग हैं और कह रहे हैं कि जीवन यादव ने जीवन दिया है हिना साहब के बारे में लोग कह रहे हैं कि टक्कर में है बीजेपी और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को बहुत लोग नहीं जानते हैं कुछ लोग और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि सिवान का माहौल क्या है अंदर बुला रही थी अंदर महिलाएँ हैं उनसे बात करेंगे
कि सिवान में क्या चल रहा है। चाची क्या नाम है? हम झुमन देवी नाम। बहुत चुनाव देख ले तू। हाँ ये पारी का समीकरण क्या लगा था, माहौल का बा? अभी कुल अच्छा मोदी जी के जाने नहीं। हाँ मोदी जी के। हाँ तो कुछ लाभ हम मिले ला, पेंशन आवास तमाम जी, कोनो लाभ सरकारी लाभ मिलल बा? हम न केहू से दरोगा से डेरा न पुलिस से डेरा। हाँ केहू से ना हम डेरा है, बात कहे बस असली बात कही दो। हाँ हम कह दे तनी। हाँ जे भइल बा उ हमनी के कुछ न कह देले। हाँ यहाँ से बूढ़ हो गनी सो हम केहू जीत ले बा हमके कुछ नहीं कह दे हाल। हाँ कुछ नहीं कह दे ले लो तो हम कैसे कही। हाँ बनियारी कोई लेता खाता खाता आदमी कमाता। हाँ ये पर हिना साहब बड़ी हिना साहब के जाने नहीं ना। हाँ शाहबुद्दीन के पत्नी। हाँ जीवन यादव बने अवध बिहारी चौधरी बने और विजय लक्ष्मी कुशवाहा बड़ी। हाँ तो कौन चारू में कौन बेहतर बने? सबके बराबर है बा। सबके बराबर, सब लोग बराबर बा। हिना साहब के जाने लू हम कहा जानते न रहो। जीवन यादव के जाने लू। हां जीवन जदे के जानी ले। तो ओई साथ में हिना देवी बड़ी। बड़ी ओ उनके में नहीं, उनके में नहीं बड़ी, अलग लड़तड़ी निर्दलीय वो लड़तड़ी। अच्छा तो माने दू वोट होई चाची से पूछिए। चलिए एक महिला है दिख गई है सड़क पर, धूप ज्यादा है, लोग जो है इकट्ठा करना पड़ रहा है। कहाँ घर है? यही जा का माहौल लगा था चुनाव के। अच्छा महंगाई वहंगाई जाने नहीं है नहीं बोलेंगे। चलिए 2024 का चुनाव जो छठवें चरण में सिवान में मतदान होने वाला है, यहाँ चरकोड़ी लड़ाई है भोजपुरी में कहेंगे तो, क्योंकि जीवन यादव लड़ रहे हैं निर्दलीय, हिना साहब भी निर्दलीय हैं और बिहारी चौधरी राजद से चुनाव लड़ रहे हैं और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जेडीयू यानी इंडिया गठबंधन से। अब आने वाला वक्त बताएगा किस जीत का सेहरा किस पर बंधेगा, लेकिन इतना तो तय है सिवान में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है।